चाहिए। हमें अपने पत्नी पति के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। वो औरत 420 से फ्रॉड एक नंबर की झूठा आरोप लगाई है। अच्छा, जिस प्रकार से जो है आपके आदमी पे भरोसा है कि जिस प्रकार से जो है आरोप लगाई है आपके आदमी पे, तो क्या आपके आदमी पे अपने भरोसा है कि आपके आदमी ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं करते। मुझे पूरा भरोसा है इनके ऊपर। जो जब 4 महीने वो महिला 420 है, वो सबसे अवैध संबंध रखती है और लोगों को फंसाती है, और इसी दौरान वो पैसे की डिमांड करती है। अगर पैसा दे दिए तो ठीक है, वो पैसे लेके पैसे दे के सुलह कर लेती है। आपसे पैसे मांग रही है? हमसे 5 लाख मांग रही है। और एक के खिलाफ भरण पोषण कैसे होता था उस वक्त? खर्चा कौन देता था? मेरा खर्चा पानी कोई नहीं देता था, सब ऐसे ही बीतता था मेरा। कोई नहीं बात करता था, सब ऐसे ही दुख में बीतता था मेरा। उस औरत को आप कब से जानती हैं? उस औरत जिस दिन मेरे पति जेल पे गए उस दिन सबसे जानने लगी। महेश हमारे पति हैं, तो क्या इस पे कहेंगे आप? जी सर, हम नहीं इस बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे कि वो है कि नहीं, ये सब हमें नहीं जानकारी है। ऐसा कुछ नहीं है। तो देवर कैसे बना लिए सर? वो महिला है, कुछ भी बना के भिजवा सकती है हमें जेल। जब वो झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाई है, मैं ये जानता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मंगल केसरवानी उर्फ आशीष केसरवानी। क्या पूरा मामला था और किस प्रकार से जो है आपकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जी, मामले के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। हमें ये जानकारी है, वो महिला मेरे ऊपर धारा 376 का गलत आरोप लगाकर मुझे 4 महीने 10 दिन जेल भिजवा के रखी। हमें क्या महिला? सुशीला निषाद, उसके पत्नी पति का नाम है राम बाबू निषाद। तो क्या किस लिए आप जेल गए थे? वो मेरे ऊपर देवर बना के आरोप लगाई थी। 5 लाख रुपए का डिमांड भी की है। रिकॉर्डिंग में, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो ये बताइए कि जब आप जेल गए थे तो आपकी जो है कैसे आपको जेल जाना पड़ा? जेल विवेचना हुई थी सर। विवेचने में मेरे जो अधिकारी, जो जांच अधिकारी थे, विवेचना हुई थी, जो जांच अधिकारी थे उन्होंने विवेचना की गवाही मेरी हटा दी है, अब्दुल कलाम सर ने। अच्छा, आप गवाही दिए थे? जी, वो आई गवाही नहीं। गवाही लगी थी, 5 गवाही लगी, जो कि गवाही भी हटा दिया, जांच विवेचना भी हटा दिए मेरा। आपको देवर क्यों मान रही थी वो? सर ये हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, बताइए जिस तरीके से आपके भाई पे आरोप लग रहा है कि ये हमारी जो है सुशीला जो है महेश हमारे पति हैं, तो क्या इस पे कहेंगे आप? जी सर, हम नहीं इस बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे कि वो है कि नहीं, ये सब हमें नहीं जानकारी है। ऐसा कुछ नहीं है। तो देवर कैसे बना लिए सर? वो महिला है, कुछ भी बना के भिजवा सकती है हमें जेल। जब वो झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाई है, मैं ये जानता हूँ। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 26 मई 2022 में हुई। 26 मई जी। तो मतलब शादी से पहले आपको जेल जाना पड़ा? वो शादी के बाद मैं जेल गया हूँ। वो मैं जेल में 18 जुलाई 2022 में मैं जेल में दाखिल हुआ हूँ। अच्छा, तो ये बताइए बहन जी, क्या कहेंगी आप? आपके पास आदमी जो है जेल गए हैं, तो क्या कहेंगी? हमें अपने पत्नी पति के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। वो औरत 420 से फ्रॉड एक नंबर की झूठा आरोप लगाई है। अच्छा, जिस प्रकार से जो है आपके आदमी पे भरोसा है कि जिस प्रकार से जो है आरोप लगाई है आपके आदमी पे, तो क्या आपके आदमी पे अपने भरोसा है कि आपके आदमी ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं करते। मुझे पूरा भरोसा है इनके ऊपर। तो जब 4 महीने 10 दिन बता रहे हैं जेल में थे, तो आपको दिन कैसे आप गुजारी? पूरे रो रो के पूरा दिन भी है, सब कुछ ताने सुनने पड़े। मेरे पति हैं, वैसे हैं, उल्टा सीधा आरोप सुनना पड़ा उस औरत की वजह से। भरण पोषण कैसे होता था उस वक्त? खर्चा कौन देता था? मेरा खर्चा पानी कोई नहीं देता था, सब ऐसे ही बीतता था मेरा। कोई नहीं बात करता था, सब ऐसे ही दुख में बीतता था मेरा। उस औरत को आप कब से जानती हैं? उस औरत जिस दिन मेरे पति जेल पे गए उस दिन सबसे जानने लगी। और पहले कुछ नहीं मुझे पता था। क्या नाम है आपका? आशा केसरवानी, कोमल केसरवानी। क्या नाम है सर आपका? सतीश केसरवानी। तो क्या पूरा मामला है आपका? पूरा मामला ये है कि हमको अब बोल रही है कि आपको हम जेल भिजवाएंगे, तुम बचे हो, तुम साफ सुथरे बचे हो, अब तुमको जेल भिजवाएंगे, धमकी दे रही है। कौन बोलता है? सुशीला निषाद। सुशीला निषाद वो हमारी कोई नहीं है, उसको हम लोग जानते हैं, उसके पति का नाम है राम बाबू निषाद। तो कहाँ की रहने वाली है वो? वो हमारे कहीं गाँव की महिला है, रहने वाली है लवान कला की। तो आप उसको कैसे, कब से जानते हैं? उसको तो जानते हैं सर, वो जब उसकी शादी हुई थी राम बाबू निषाद से, तो हम लोग भी गए थे वहाँ पर, हम लोग को जानकारी भी थी। तो महिला कैसी है वो? वो महिला 420 है, वो सबसे अवैध संबंध रखती है और लोगों को फंसाती है, और इसी दौरान वो पैसे की डिमांड करती है। अगर
पैसा दे दिए तो ठीक है, वो पैसे लेके पैसे दे के सुलह कर लेती है। आपसे पैसे मांग रही है? हमसे 5 लाख मांग रही है। और एक के खिलाफ 2021 में FIR की है, कप्तान निषाद के खिलाफ, उससे मांग रही है 3.5 लाख रुपए। उसका मामला ये था कि जमीन की बात हुई थी, उससे जमीन लेने देने की, तो इसने पैसा ना डायरेक्ट जाके उस बंदे से ले लिया जिसने को दिया था कप्तान निषाद ने जमीन दिलवाने के लिए। तो ये फिर और पैसा मांग रही थी कि हमको ब्याज सहित पैसा दो, तो कप्तान बोला कि हमको सिर्फ 1 लाख तुम दी थी, तुम 1 लाख ले लिए हो, अब कहे पैसा मांग रही हो, कहे कि हमको पूरा चाहिए पैसा 3.5 लाख रुपया और दो ब्याज के साथ। नहीं दिया वो कैसे देगा, 1 लाख दिया 1 लाख पा गया, तो 3.5 लाख और मांग रही थी, तो उसके ऊपर FIR कर दी 356(3) से न्यायालय से, और बयान जाके दे दी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब उससे 3.5 लाख मांग रही है सोलह करने के लिए। प्रशासन ये कहना चाहेंगे कि हमारी निष्पक्ष जांच हो, न्यायालय से आदेश भी आ गया हमारी निष्पक्ष जांच हो, हमें न्याय मिलना चाहिए। तो जो आपके भाई का आरोप लगा रही है सुशीला, वो कैसा आरोप है? वो बेबुनियाद है, झूठा आरोप है। अच्छा, इसका बच्चे हैं उसके पास, वो बच्चे किसके हैं? वो रामबाबू निषाद के बच्चे हैं, दोनों बच्चे। कह रही कि हमारा उनका पति पत्नी का कोई रिश्ता ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक उनका पति, अभी तक वो यहाँ पति उनका जीवित है, सही सलामत है। बल्कि वो महिला ये भी बोल रही है कि मेरा पति अगर मुझे बुलाए तो हम चले आए यहाँ पर रहेंगे, उसकी वो बुला रही हूँ, उसकी ननद बुला रही है चले आओ रहो यहाँ। तो वो कह रही है हमारे आदमी जो है पागल है। मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके आदमी सही सलामत है। पागल होते तो वो अपना नाम अपना घर अपने घर में आके रहते हैं। बताइए एक बार अपना नाम और गाँव का नाम। मेरा नाम सतीश केसरवानी है, पिता का नाम राजेंद्र प्रसाद केसरवानी, ग्राम लवान कला, थाना औद्योगिक क्षेत्र, नैनी प्रयागराज।